अभी हम मौजूद हैं भारत किसान के स्टॉल पर और ड्रोन के बारे में कि वो क्या बताना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर शंकर गोयनका है और मैं वाओगो ग्रीन जो कंपनी है उसका मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। सर अपनी कंपनी के बारे में कुछ बताइए। तो मैं, मेरी कंपनी ड्रोन के प्रोग्राम में जुड़ी हुई है और उसका जुड़ने का पीछे एक छोटी सी कहानी यह है कि इफ्को फर्टिलाइजर जो दुनिया की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उन्होंने दुनिया में पहली बार नैनो लिक्विड यूरिया को लाया, यानी जो 45 किलो यूरिया की बोरी है उसको मात्र एक 500 ml की जो बॉटल है उससे उसको रिप्लेस करा, जो कि इस तरह की है। अब इससे क्या है कि मैम, यदि आपको यूरिया लाना हो, चाहे एक बोरी लाना हो चाहे 10 बोरी लाना हो, आपको गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, पर नैनो यूरिया को आप मात्र अपने जेब में रख के ला सकते हैं। तो किसान का सबसे पहला फायदा तो है कि ट्रांसपोर्ट बचा। दूसरी बात है कि जब आप नैनो यूरिया ड्रोन के द्वारा छिड़कते हैं तो कोई भी दवाई जब आप दूसरे माध्यम से छिड़कते हैं तो आपको 125 से 200 लीटर पानी चाहिए, पर जब आप ड्रोन से छिड़कते हैं तो आपको मात्र 10 लीटर पानी चाहिए। तो आपने 10 लीटर पानी डाला, उसमें दवाई डाली, और जब आप ड्रोन से छिड़कते हैं तो 25% कम दवाई लगती है, यानी समझो 240 रुपये की बोतल है तो किसान को 60 रुपये पर एकड़ दवाई में भी बचेंगे। तो पानी 200 की जगह 10 लीटर लगा, दवाई 1 लीटर की जगह या 1.25 लीटर की जगह आधी की लीटर 30% कम लगी, तो दो फायदा हुआ। तीसरा, ड्रोन उड़ता है 5 मिनट से 7 मिनट में 1 एकड़ को स्प्रे करके आता है, तो आपका समय बचा। जब आप ड्रोन से छिड़काव करते हैं तो पत्ता पत्ता साफ होता है, जब पत्ता साफ होगा तो उसका फोटोसिंथेसिस बेटर होगा, जब फोटोसिंथेसिस बेटर होगा तो सूर्य की रोशनी बेटर लेगा, और जब सूर्य की रोशनी बेटर लेगा तो प्लांट हेल्थ बेटर होगा, और जब प्लांट हेल्थ बेटर होगा तो उसका प्रोडक्शन और आउटपुट ज़्यादा आएगा। तो किसान का जो आउटपुट है वो 8% से 15% ज़्यादा होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि किसान की आय डबल हो, तो भाव बढ़ाने से नहीं होगा, हमारा इनपुट कॉस्ट कैसे कम हो, हमारा खर्चा कम कैसे हो, हमारा आउटपुट ज़्यादा कैसे बढ़े, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करें, उसके साथ में जो हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा और हमारे किसान को इसका फायदा होगा न्यू टेक्नोलॉजी का। इसके अंदर 3 सोशल एंगल है मैम। पहला एंगल, भारत के अंदर 58,000 किसान सांप के काटने से मरते हैं, भारत में 3 से 4 लाख किसान दवाई सूंघने से घातक बीमारियां, दांत, दमा, खुजली, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, लीवर, किडनी फेलियर की वजह से बीमार होते हैं, ये उन सबको बचाएगा। कोई भी फसल जो 4 फुट से ऊंची है आप उस पर स्प्रे नहीं कर सकते, पर ड्रोन के माध्यम से यदि 100 फुट की ऊंची भी फसल है आप उसको स्प्रे करके आ सकते हैं, तो उस तरीके से फायदा होगा। और तीसरा जो इसके अंदर एंगल है वो है एंटरप्रेन्योरशिप का। कोई भी जो गांव का यूथ है जो 10वीं पास है वो ड्रोन की ट्रेनिंग ले, ड्रोन में खाली 10% पैसा दे, 90% पैसा भारत सरकार उसको लोन के माध्यम से देती है और उसको सब्सिडी भी मिलती है, और यदि वो मात्र 300 रुपये पर एकड़ से छिड़काव करे तो साल के 18 लाख रुपये बनाता है, और यदि 400 रुपये से ले तो साल के 24 लाख रुपये बनाता है। तो मुझे लगता है इस समय देश का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल वो ड्रोन है। मैं एक चीज जानना चाहती थी, बीइंग अ लेमैन, जैसे मैं, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे भी खेतों में जैसे वो हाई टेंशन की तार गई हुई होती हैं, तो ड्रोन उस टाइम पर जैसे मान लीजिए कि कहीं पर वो लगा हुआ है हाई टेंशन की तार, उससे फील्ड से निकल करके जा रही है, उसमें जो है कैसे वर्क करता है क्या? क्योंकि हाई टेंशन की जो वायर है वो 20 फुट ऊंची होती है। हाँ, तो ये इसके भी आप इसको क्यों हाई टेंशन के पास उड़ाना है आपको? देखिए, आपको इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, प्रॉपर तरीके से इसको समझना पड़ेगा, उसके बाद में इसको फ्लाई करना पड़ेगा। हम गलती क्या करते हैं कि बिना प्रॉपर ट्रेनिंग लिए हुए, बिना जानकारी लिए जब हम खेत में जाएंगे तो आपको समझना है ड्रोन एक फ्लाइंग मशीन है। यदि आपने इसको प्रॉपर तरीके से नहीं समझा, इसको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करा, तो चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स आर डेफिनेटली गोइंग टू बी हाई। तो ये आपने छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है जी। थैंक यू सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। थैंक यू वेरी मच।